नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। कोरोना महामारी में भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। लगातार केंद्र की मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाकर जनता की जेब ढीली करने में लगी हुई है। इन आरोपों के साथ शहडोल में गत दिवस कांग्रेस ने नगर पालिका चौक से बैलगाड़ी और साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर जिला कांग्रेस द्वारा बुधवार को पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह के नेतृत्व में महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवा दल, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस, अल्पसंख्यक वर्ग कांग्रेस, किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर कलेक्टर शहडोल को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते वक्त रविन्द्र तिवारी, कुलदीप निगम, नीरज द्विवेदी, राकेश कटारे, सुनील खरे, मनोज गुप्ता, यादवेन्द्र पांडे, अजय अवस्थी, अनुज मिश्रा, सुफियान खान, राजेश सोंधिया, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिम्पी अग्रवाल, सीमा सिंह उपस्थित रहे। लगातार आज 16-17 दिन हो गए पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों की वृद्धि। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर तय होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा माल सबसे कम होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के अलावा खासकर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत बढ़ी हुई है। इसके चलते हम सब यहाँ पर यह महसूस करते हैं कि आम जनों को उपयोग में आने वाली हर चीज़ महंगी मिलेगी। पेट्रोल और डीजल से सारा ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था, मतलब एक तरह से देखें तो व्यापार में जो रोज़मर्रा के उपलब्ध की चीज़ें हैं आम जनों की, वो भी महंगी होंगी। किसानों को डीजल महंगा मिलेगा। नेचुरली आज के लॉकडाउन की परिस्थिति में, कोरोना के महामारी की परिस्थिति में ये स्थिति है कि लोगों के व्यापार ठप्प हैं। इवन जो सरकारी कर्मचारी वगैरह हैं उनकी भी आज हम इन बातों का सांकेतिक तौर पर यहां से लेकर साइकिल और बैलगाड़ियों के माध्यम से जा रहे हैं कलेक्ट्रेट तक और उन्हें ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम कि यह पेट्रोल डीजल को के दामों को वापस लिया जाए। साथ ही बिजली की व्यवस्था के लिए राज्यपाल महोदय और मध्य प्रदेश सरकार से हम लोगों ने पिछली बार भी निवेदन किया था। आज जो कमलनाथ जी की सरकार में जो बिजली 100 रुपए में मिलती थी, आज उसके बिल 1,000 और 2,000 रुपए आ चुके हैं। लोगों के 10-10 हजार बिजली के बिल, मतलब ये करंट आम जनता नहीं सह पा रही है। इन सब चीजों, बिजली के बिल के करंट को भी कम करने के लिए हमारा वर्तमान सरकार से अनुरोध है। आम जनों के ऊपर काफी बोझ पड़ रहा है इस वैश्विक महामारी के स्तर में, उनका आम बजट बिगड़ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अभी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। नमस्कार।